हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसआर स्वाद। आज हम बनाने जा रहे हैं कैप्सिकम ग्रेवी। कैप्सिकम के बहुत ही फायदे हैं, ये आँखों के लिए, हाथ के लिए, बालों की सेहत के लिए, ट्रीटिंग एनीमिया ट्रीट करने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है। चलो दोस्तों, अब हम रेसिपी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टोव को ऑन कर दीजिए उस और पैन को चढ़ा दीजिए। पैन में 2 टेबलस्पून तेल डालिए। और उसमें कटा हुआ ऑनियन और कैप्सिकम डाल के शालो फ्राई कर दीजिए। मैंने ऑनियन और कैप्सिकम को स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। दो मिनट के लिए अच्छे से भून लीजिए और 2 मिनट के बाद कैप्सिकम ऑनियन भूनने के बाद एक बाउल में डाल के साइड में रख दीजिए। और उसी पैन में आप 1 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच सरसों डाल के भून दीजिए। अच्छे से भूनने के बाद कटा हुआ ऑनियन उसमें डाल दीजिए और अच्छे से भून लीजिए। जब तक ऑनियन गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाए तब तक भून लीजिए। जब ऑनियन गोल्डन ब्राउन हो जाएगा उसमें बेसन डाल दीजिए। बेसन, उसे ग्राम फ्लोर भी कहते हैं, डाल के अच्छे से पकाइए। जब बेसन तेल छोड़ना शुरू करेगा उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दीजिए 1 स्पून, एक छोटा स्पून। उसके बाद कटे हुए टमाटर उसमें डाल दीजिए और अच्छे से पकाइए। और नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। और लिड को कवर करते हुए पकाइए। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएगा अब उसमें हल्दी, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। सारे अच्छे से मिक्स होने के पकने के बाद अब उसमें दही डाल दीजिए। 3 टेबलस्पून दही डाल के अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। अच्छे से पकने के बाद 3-4 मिनट के बाद कंसिस्टेंसी को सेट करने के लिए आप थोड़ा थोड़ा पानी डाल दीजिए। पानी आप अपने हिसाब से डाल दीजिए दोस्तों। अगर आपको ग्रेवी बहुत ही थिन चाहिए तो ज़्यादा पानी डालिए, नहीं तो थोड़ा पानी डाल दीजिए। अच्छे से पकने दीजिए। मिक्स करते हुए अच्छे से पकाइए ताकि नीचे से ना जले। अच्छे से पकने के बाद आप उसमें जो स्टार्टिंग में हमने ऑनियन, प्याज और कैप्सिकम को फ्राई कर लिया था उसमें डाल के मिक्स कर दीजिए और अच्छे से 2-3 मिनट पकाइए। अच्छे से सभी पकने के बाद आप उसे लास्ट में कोरिएंडर धनिया पत्ते से गार्निश कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।